बिहार में महागठबंधन को मिल सकता है बहुमत। डीबी लाइव के एग्जिट पोल में 131 से 137 सीटों के साथ जीत की ओर राहुल तेजस्वी की जोड़ी। एनडीए के खाते में जा सकती है 96 से 102 सीटें। 10 नवंबर को घोषित होंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे। आज पीएम मोदी गुजरात के रो पैक्स फेरी और टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। घोघा से हजीरा तक का सफर जल मार्ग से सिर्फ 4 घंटे में पूरा कर सकेंगे लोग। सड़क मार्ग से इस सफर में लगते हैं 10 से 12 घंटे। बीजेपी नेताओं में बढ़ती दरार के बीच आज होगी पार्टी की मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बीजेपी महासचिवों की बैठक। नई टीम की घोषणा के बाद से पार्टी में छिड़ा है घमासान। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को सताया हार का डर। पार्टी ने पूर्व जिलाध्यक्षों तक को अपना मतगणना एजेंट बनाया। वोटों की गिनती पर नजर बनाए रखेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। म्यांमार के संसद से दोनों सदनों और विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान आज। आंग सान सूची के नेतृत्व में एनएलडी को 2015 के चुनावों में एक तरफा मिली थी जीत। मिलिट्री और जनता की चुनी हुई सरकार चलाते हैं म्यांमार का शासन। टिहरी झील में देश का सबसे लंबा झूला मोटर पुल डोबरा चाठी सेतु बनकर तैयार। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे पुल का लोकार्पण। लोगों को 14 साल का इंतजार होगा खत्म। आज से 2 दिवसीय जयपुर दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कार्यकारी मंडल की बैठक में लेंगे हिस्सा। पिछले महीने में भी संघ प्रमुख ने किया था राजस्थान का दौरा। झारखंड की जनता को मिलेगी राहत। आज से चलेंगी रांची से बिहार ओडिशा और उत्तर प्रदेश के लिए अंतरराज्यीय बसें। कैबिन की 8 सीटों को लेकर फंसा पेंच। SBI ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट। आज ऑनलाइन बैंकिंग में हो सकती हैं दिक्कतें। अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है SBI। आज होगा क्वालिफायर 2 का मुकाबला। हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा मैच। फाइनल में पहुंचेगी क्वालिफायर 2 में जीतने वाली टीम।